नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे मॉनसून में निकाय की तैयारियों पर। मॉनसून के दौरान प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वे जल भराव की है। बारिश के बाद जगह जगह सड़कें, गलियों में और साथ ही साथ जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। ऐसे में मॉनसून से पहले जल भराव की समस्या को लेकर के प्रशासन कई तैयारियां करते नजर आते हैं, लेकिन फिर भी बरसात के दिनों में जल निकासी और जल जमाव की समस्या बनी रहती है और ये कई बीमारियों के फैलने का कारण भी बनता है। शहर में हर साल बारिश के बाद जल भराव हो जाता है। शायद ही शहर की ऐसी कोई सड़क बाकी रह जाती है जहां जलभराव की समस्या ना उत्पन्न होती हो। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्री मॉनसून ड्राइव अति आवश्यक है। मॉनसून आने वाला है और इससे पहले निकाय ने क्या क्या तैयारियां की है और निकाय कितना सतर्क है, इसी मुद्दे को लेकर के इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याएं जानी। और सबसे पहले आपको यहां से सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने लोगों से खास बातचीत की और जानिए लोगों की राय। राजधानी में करीब 900 से अधिक नाले हैं, वो दोनों नगर निगमों के पास आते हैं, 600 से अधिक ग्रेटर निगम के पास हैं और 300 के आसपास जो हेरिटेज नगर निगम है उसके पास हैं। मानसून जब भी आता है राजधानी में इस तरह के हालात होते हैं कि नाले हैं जो ओवरफ्लो करते हैं, तमाम जो परेशानी है वो लोगों को उठानी पड़ती है। इस बार भी नगर निगम ने टेंडर किए हैं, नगर निगम हर बार नालों की सफाई को लेकर टेंडर किए जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएँ कितनी पुख्ता हो पाती है उनको लेकर कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। ग्रेटर निगम के पार्षद हैं मेघवाल जी, क्या लगता है किस तरह की तैयारी निगम ने इस बार मानसून से पहले नालों को लेकर की है? देखिए, इस बार नगर निगम ग्रेटर द्वारा पुख्ता तैयारी की जा रही है नालों की सफाई हेतु। अभी जो पूर्व में हमारी साधारण सभा हुई थी उसमें भी पूरे नगर निगम ग्रेटर के तकरीबन 715 नालों की संख्या बताई गई और तकरीबन 7.25 करोड़ के आसपास का इसमें लागत लगेगी, जिसमें खर्चा मरम्मत और सफाई का भी इसमें खर्चा आएगा। और इस बार डिसल्टिंग के द्वारा हमारे नगर निगम का ये प्रयास रहा है कि पूरा डिसल्टिंग किया जाए, मतलब अच्छी तरह से सफाई की जाए। अधिकांश जगह ये देखा जाता है कि कुछ कॉलोनियों में नालों के ऊपर फुटपाथ नुमा बनाकर लोगों ने उसको कवर कर रखा है, तो जब नालों की सफाई होती है तो वो नाले पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाते हैं। तो इस बार नगर निगम विजिलेंस की टीम को साथ में लेकर, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को साथ में लेकर और नाला गैंग को लेकर सफाई कराई जाएगी, ताकि बरसात में आप देखिए जिस तरह से जयपुर में पूर्व में भारी वर्षा होती है तो नाले उफान आ जाते हैं, लोगों के घरों में पानी भर जाता है और कई कई बार माल हानि और जनहानि की भी इनमें संभावनाएँ बनती है। तो इस बार जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये ध्येय है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि और माल हानि ना हो तथा नालों का पूर्ण रूप से सफाई कराई जाए। तो कुल मिलाकर भाई साहब, हर बार नालों की सफाई निगम कराता है लेकिन फिर भी देखा जाता है कि नाले ओवरफ्लो होते हैं, जो बारिश आती है तो कचरा सड़कों के बाहर आ जाता है। क्या लगता है आपको, क्या व्यवस्था नगर निगम को करनी चाहिए? बढ़िया करनी चाहिए व्यवस्था। तो जो मानसून आता है तो पानी सड़कों पर बहता है, निगम को उसको लेकर भी कुछ करना चाहिए कि पानी सड़कों पर ना बहे, नाले में जाना चाहिए सड़कों के लिए। कहीं ना कहीं जो निगम है वो हर बार दावे करता है कि जो नाले हैं वो सारे साफ करा दिए, करोड़ों रुपए की लागत से उनको साफ कराया जाता है, फिर भी सड़कों पे पानी बहता हुआ नजर आता है। क्या लगता है आपको, किस तरह से रोकना चाहिए? पानी बिल्कुल सही आना चाहिए, बिल्कुल सफाई सही होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो सफाई का जो काम है मानसून से पहले पूरा निगम का हो जाना चाहिए, टेंडर इस बार भी किए गए, लेकिन हर बार ऐसा देखने को मिलता है जो धराशायी है वो व्यवस्थाएं हो जाती हैं, सड़कों पे पानी फैलता हुआ नजर आता है। हाँ बिल्कुल सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पानी बिल्कुल अंदर जाना चाहिए नाले के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि पानी है जो नाले के अंदर जाना चाहिए लेकिन हर बार जो पानी है वो बाहर फैलता हुआ नजर आता है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए, निगम को क्या करना चाहिए? एक महत्वपूर्ण जो काम है वो यही होना चाहिए कि नालों की सफाई जो है ना वो सुनिश्चित होनी चाहिए कि हर बार ढंग से हो। ठेकेदार क्या करते हैं कि जैसे किलोमीटर वाइज जो नाले होते हैं ना उनमें आधे पे सफाई होकर के वो आधे ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, जिनमें कचरा पूर्णतः साफ नहीं हो पाता है। जो कचरा पूर्णतः साफ नहीं होता तो पानी एक तरह से ढलान पर चलता है, तो ढलान पर आगे जा करके वो स्टॉप होता है, वो स्टॉप होता है तो नालों के थ्रू ना होकर के वो रोड पर बहने लग जाता है। तो निगम तो अपनी तरफ से टेंडर जारी कर करके और ठेकेदारों को काम देती है पर वो उसको ढंग से ना करवा करके अधूरा काम करते हैं, तो वो पानी उसमें ब्लॉकेज होकर के बाहर बहता है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदारों पे जो कड़ी कार्रवाई निगम निगम तो अपनी तरफ से सर हर तरीके का संपूर्ण प्रयास करती है कि भाई जनता को फायदा हो, जनता को सुविधा हो, पर वो जो ठेकेदार होते हैं या उनके जो कर्मचारी होते हैं, जो लेबर होती है, वो ढंग से काम ना कर करके अपना
जो सफाई का काम ढंग से ना करवा करके ही ये नुकसान होता है पानी बाहर। निकल जी, अब निगम ने किस तरह की तैयारी की है, क्योंकि कई बार हालात इतने गंभीर हो जाते हैं कि जो सड़कों पे पानी जो बहता है लोगों के घरों में पहुंच जाते हैं, क्या कंट्रोल रूम बनाए गए हैं निगम की ओर से, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए हमेशा की बात है, इस बार भी नगर निगम द्वारा कंट्रोल रूम भी एक बनाया गया है, साथ में मिट्टी के कट्टे जिस तरह से प्रोवाइड कराए जाते हैं उसकी भी व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ एक तरीके से जहां ढलान नुमा जगह होती है, जहां पानी आके किसी नाले में ना जाके इकट्ठा हो जाता है, वहां वाटर हार्वेस्टिंग का प्रपोजल भी चल रहा है। तो इस तरह से नगर निगम द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अभी मेरे साथी भाई ने कहा कि ठेकेदारों द्वारा कार्य सही नहीं किया जाता, तो इस बार नगर निगम ग्रेटर का ये भी मानस बन चुका है कि जो ठेकेदार सही से नगर निगम में नालों की सफाई नहीं करेंगे या किसी जनप्रतिनिधि या क्षेत्रीय निवासियों की शिकायत आती है उनके प्रति, तो ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रयास किया जाएगा, क्योंकि नगर निगम ग्रेटर का और हम सभी पार्षदों का एक ध्येय है कि जनता को किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब इतना करोड़ों रुपए जनता का खर्च हो रहा है तो उससे जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। कुछ लोग अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर पाते संचालित, लेकिन इस बार हमारा पूर्ण ध्येय है कि हम ढंग से इस कार्य को कराया जाएगा। कहीं ना कहीं दावे जो हर बार की तरह जो निगम की ओर से किए जाते हैं वो ही दावे इस बार किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह की जो व्यवस्थाएं वो धरातल पे देखने को मिलती हैं, क्योंकि जल्द ही जो है राजस्थान में मानसून की जो है दस्तक वो होने वाली है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से जाना कि क्या बारिश से पहले सभी नालों की साफ सफाई का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए क्या कुछ कहा लोगों ने। जिस तरह मौसम विभाग की अगर अपन माने तो 15 से 20 जून के मध्य मानसून आ जाएगा, लेकिन इसको लेकर के क्या नगर निगम और नगर निकाय जिन्होंने पूरी तरीके से जो ड्रेनेज हैं, जो बारिश का जो पानी है बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वो सही दुरुस्त किए या नहीं किए, इसको लेकर के अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ 10-12 दिनों में मानसून आ जाएगा, इसको लेकर के नगर निकाय ने या नगर निगमों ने क्या अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली है क्या शहर भर में? आदरणीय, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता में एक संदेश जाएगा कि किस तरह से हमारा नगर निगम या नगर निकाय या प्रशासन काम कर रहा है और किस ज़मीनी स्तर तक काम कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में देखा है कि अजमेर के अधिकतर नाले जो हैं गंदगी से भरे पड़े हैं, लदे भरे पड़े हैं, और अभी तक सफाई की मतलब ये समझ लो कि लिपापोती हो रही है या कागजों में दिखाया जा रहा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। श्रीमान वासुदेव देवनानी जी जो हमारे विधायक हैं, उन्हीं के नज़दीक में पंजाब नेशनल बैंक है, उसके सामने पारेश्वर कॉलोनी के नीचे वाला नाला आज भी टूटा हुआ पड़ा, और बरसात के टाइम में उस नाले से बाहर तक पानी आता है और वो भरा रहता है। और किसी ज़माने में हमारे अजमेर ज़िले में, अजमेर क्षेत्र में विधानसभा के अंदर कई जगह तीन मुखी नाला हुआ करते थे और बड़े बड़े नाले हुए करते थे, जिनके ऊपर अतिक्रमण करके लोगों ने या मान के चलो कि किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट की वजह से उन नालों पर अतिक्रमण हो गया और वो नाले नालियों में तब्दील हो गई। आज उन नालियों के तब्दील हो जाने से कई कॉलोनियों में पानी का भराव हो जाता है, उसकी वजह से पेड़ पौधों का नहीं होना और फिर पानी का भाव एकदम तेज़ होना, तो दीवारें गिर जाना, मकान गिर जाना, जानमाल की हानि होना। तो ये परिस्थितियाँ अभी भी बनी हुई हैं और अभी भी नगर निगम और जो भी प्रशासन है लापरवाही कर रहा है, लगातार लापरवाही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मानसून शायद जहां तक है 20 जून का सुनने में आ रहा है, आज मतलब इसमें प्रवेश कर जाएगा, तो जल्द से जल्द सभी नालों की सफाई कर दी जाए और जितने नालों पर अतिक्रमण उनको अतिक्रमण मुक्त करके नालों की सफाई के साथ साथ उनका जीर्णोद्धार किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है कि नगर निगम या नगर निकाय और प्रशासन है जो पूरी तरीके से एक दो नालों की साफ़ सफाई करके इतिश्री पूरी कर लेता है, और अभी भी अजमेर शहर के इतने सैकड़ों नाले हैं जो पानी से और गंदगी से अटे पर हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मानसून आने वाला है, अभी महावीर कॉलोनी के क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ पे उस नाले की कोई सफाई नहीं है, जबकि उस नाले से बीच में मानसून में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। इसी प्रकार फायसागर रोड पे फिल्टर प्लांट के पास में जो नाला है उसकी सफाई नहीं है। इसी चौपाटी पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर हम घूमने आते हैं सुबह सुबह, जब ये जो चौपाटी के पास पुलिया के नीचे मछलियाँ मर रही है और यहाँ पर लोग बाग काफ़ी कचरा भी लगे डालते हैं, इसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही, और बदबू की वजह से लोग बागों का यहाँ पर घूमना भी बंद हो चुका है। क्या मांग करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से प्रशासन से? प्रशासन से, निगम से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि जो भी नाले हैं
सबसे पहले तो महावीर कॉलोनी के सामने फायसागर रोड, इस तरह के पूरे शहर में कई नाले हैं, उनकी सफाई की जाए मानसून से पहले। और ये जो आनासागर है हमारे अजमेर की शान, इसके आसपास में जो बांडी नदी का क्षेत्र है, जो जहाँ पे भी ये कचरा जो बदबू आती है आनासागर में, इन मछलियों के जीवने के लिए इसकी सफाई की जाए। और जो हमारे पास मशीन हमने मंगवाई है उसका पूरा उपयोग किया जाए। देखिए बिल्कुल सही बात है, हम सैकड़ों बार इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने भी प्रसारित किया है इस मामले को कि बहुत सी गंदगी अजमेर शहर में पनपी रहती है, फैली रहती है, बावजूद इसके भी नगर निगम की जो है नींद नहीं जागती। वो अभी तक भी लोगों को कोई भारी इसको महामारी फैलने का नगर निगम को इंतज़ार है। आपकी क्या राय इस बारे में? सर इसमें तो मैं कहूँगा नगर निगम की पूरी लापरवाही है। यहाँ अभी भी हम खड़े हैं, अभी भी 30 माइल आ रही है कि आप अजमेर शहर जितने भी यहाँ घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, वो भी नहीं रुक पाते हैं यहाँ पे। तो इसमें पूरी नगर निगम की लापरवाही है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्या आपके क्षेत्र के नाले भी गंदगी से अटे हुए हैं या क्या कहना चाहेंगे गंदगी से? पूरे सर हमारे केसरगंज जमा देख लो, नाला जो ऊपर आ रहा है मनुसा भावड़ी का आ रहा नाला, वो भी इतना भरा हुआ है कि जब बारिश आती है कहीं क्षेत्र के पानी घर में घुस जाता है। तो नगर निगम की पूरी लापरवाही इसमें। तो देखिए साफ तौर से लोगों का कहना है कि नगर निगम की पूरी तरीके से जो है लापरवाही यहाँ पे देखने को मिल रही है। नगर निगम ने कुछ नालों को जो आना सागर के या मुख्य नाले हैं उनकी आसपास की सफाई करके और सोशल मीडियाओं के माध्यम से ये दिखा दिया कि हम पूरे शहर के नालों की सफाई कर रहे हैं, ड्रेनेज खोल रहे हैं, लेकिन साफ तौर से आम जनता का कहना है कि नगर निगम छोटे मोटे काम करा के इतनी सीधी पूरी कर लेती है और पूरी तरीके से साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देती, जिससे आने वाले मानसून के अंदर आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़ अजमेर। मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या हर साल उठती है, हर वर्ष नालों की सफाई कराई जाती है, बावजूद इसके लोगों को इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। देखिए जोधपुर से ललित परिहार की ये खास रिपोर्ट। यह जोधपुर के बासनी इलाके की श्रमिक कॉलोनी है और ये पीछे जो गंदा पानी जमा है ये भैरव नाले का पानी है। भैरव नाला यहाँ पर आकर समाप्त होता है। पहाड़ों में बुरों का तालाब प्रतापनगर इलाके से भैरव नाला शुरू होता है, जो पहाड़ों से बरसाती पानी को निकालने के लिए शहर के बीच में से होते हुए यहाँ पहुँचता है। कई किलोमीटर लंबा ये नाला है, शहर के सीवरेज का और सारा गंदा पानी इसमें मिलता है और उसके बाद यहाँ फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी भी इसमें मिल जाता है और इस तरह से ये नाला यहाँ पहुँचता है। जो पानी की क्वालिटी है उस ये देखा जा सकता है कि पेड़ों को ख़त्म कर दिया, यहाँ जो भी वनस्पति है वो सारी सूख गई है, पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है और आसपास के घरों के लोगों का रहना यहाँ पर दूभर है। यहाँ लगातार लोग बदबू सहन करते हुए 24 घंटे बदबू रहती है इस इलाके में और उनकी हालत तब ख़राब हो जाती है जब बरसात आती है। यहाँ इलाके के पार्षद सुरेश मेघवाल खुद परेशान हैं और लगातार संबंधित विभाग से इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये नाला यहाँ खत्म होता है, पानी क्यों जमा हो गया है, कितने घर यहाँ आसपास है, नाला कहाँ तक जाना चाहिए था, पानी का निकास कहाँ आखिर JDA ने तय किया था? ये नाला प्रताप नगर से गुरो का तालाब से चालू होता है, भैरव नाले का नाम दिया हुआ है इसको। ये नाला सुबातो के डाने के पास आके नाला ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से ये खुली जगह में फैल जाता है। वो पानी यहाँ आके कम से कम 2 किलोमीटर की रेंज में ये पानी फैला हुआ है। इस पानी को लेकर मैंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, JDA, नगर निगम, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जिसमें हमने इसकी शिकायत नहीं की। जिला कलेक्टर महोदय ने खुद ने यहाँ पे 3-4 बार दौरा किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पे स्वयं आके गए थे और भरोसा दिया था कि मैं इस पानी को ख़त्म कर दूँगा। उस बात को आज 8 साल हो गया, अभी तक इस बारे में कोई ऐसा होता नहीं है। इसके बावजूद भी संभागीय आयुक्त जो JDA के चेयरमैन है वो भी आके गए, JDC यहाँ पे कई बार आके गए, नगर निगम आयुक्त साहब यहाँ आके गए, महापौर आके गए हैं, सारे अधिकारी आ गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो समस्या ज्यों की ज्यों बनी हुई है। मेरे ये पूरी पाल रोड विस्तार योजना JDA के द्वारा अलॉटमेंट की गई कॉलोनी है, यहाँ पे कम से कम 1000 मकान है, 377 मकान ये JDA के हैं और जगदम्बा कॉलोनी, गणेश कॉलोनी, पूरी पाल रोड विस्तार योजना, डर्बी टेक्सटाइल, कुल मिला के 7-8 कॉलोनियों को ये प्रभावित करता है ये पानी। लेकिन पूरी और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।